अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ उनीब के मोबाइल की। बेचारे का मोबाइल जैनब ने तोड़ दिया नीचे फेंक फेंक के। एंड ये हुआ कि उसने वो वाला मोबाइल बेचकर तो बटनों वाला मोबाइल ले लिया, क्योंकि टच मोबाइल था। काफ़ी दफ़ा उसने उसको रिपेयर करवा लिया था, एंड पे वो तंग आ गया। ठीक करवा करवा के फिर उसने बेच दिया। और यहाँ पर उसने मोबाइल लेने गया था वो दो शॉप से, लेकिन जो मोबाइल की प्राइजेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, लूट मची हुई है आपको पता ही है। तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पर उसने दो मोबाइल लेकर आने थे, फिर वो एक ही लेकर आया। और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। वो बता रहा था कि 45 से नीचे कोई भी मोबाइल नहीं था पड़ा हुआ उनके पास, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पर भी लेते हैं तो आप 30K देकर फिर ही ले सकते हैं। मैंने कहा चलो अब तुम अगले माह ले लेना, फ़िलहाल तो यही वो लेकर आ गया था। और जब भी मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठ के वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, मुझे लगता है मोटरसाइकिलों वालों की रेस लगी है कि बस अभी इसी गली में से गुजरना और किसी गली में से भी नहीं जाना। ये है जी अगले दिन का व्लॉग। और यहाँ पर उनीब आपको बैठा नज़र आ रहा होगा, उसकी उंगली पे चोट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। उसने हमें फ़ोन पर बताया तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। उसने कहा मेरी उंगली काफ़ी ज़्यादा कट गई है, और मैं हॉस्पिटल गया था, उन्होंने कहा आप स्टिचेस लगवाओ, तो मैंने फिर अकेला था, शायद वो परेशान हो गया, फिर उसने नहीं लगवाए। और यहाँ पर आकर वो बैठा हुआ था, और जन्नत कह रही थी कि मैंने बस इसने जो पट्टी बांधी है ना उसको छेड़ना एक दफ़ा, और मैं उसको रोक रही थी कि ना बेटा ऐसे नहीं करो। और काफ़ी ज़्यादा उसको बेचारे को पेन भी था, अम्मी भी परेशान थी। फिर वो इधर मेरी तरफ आया मुझे दिखाने के लिए, और अम्मी ने कुछ सामान लेना था तो वो इसलिए आई हुई थी। फिर वो यहाँ पे थोड़ी देर लेटा रहा, मैंने उसको कहा था यहाँ पर ही सो जाओ, जैनब ने आपको सोने नहीं देना। उसने कहा नहीं मैं अब घर ही जाऊँगा। यहाँ पर भी कौन सा मुझे जन्नत सुकून करने देगी, क्योंकि जैसे ही वो आ जाता है ना फिर जन्नत की कोशिश होती है कि वो बस मुझे उठा के रखे। अम्मी लोग तो थोड़ी देर बैठे थे, फिर वो लोग चले गए। मुझे बस उन्हें दिखाने के लिए आया था कि मुझे चोट लगी हुई है। और यहाँ पर मैं शाम को मैं बना रही थी रैप्स, उसके लिए मैंने टमाटर शमाटर जो कुछ घर में पड़ा हुआ था बस वही मैंने कटिंग कर लिया, प्याज कटिंग कर लिए। और इसके अंदर वैसे फ्राइज़ भी डलती हैं, मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं इसके अंदर फ्राइज़ डालूंगी, लेकिन जब मैं बनाने लगती हूँ ना फिर मैं थोड़ी सुस्ती कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बस जो है ना जल्दी जल्दी जो कटिंग हो सकता है बस उसी के साथ ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे इससे आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कुछ बिज़ी हो गई थी, क्योंकि बार बार जन्नत भी फिर बीच में तंग करती है। और रात को मैं और राव साहब गए थे, कुछ हमारा सामान ख़त्म हो रहा था, राव साहब की चीज़ें ख़त्म हो रही थी क्योंकि उनको आदत है रात को उठ के चलते फिरते खाते रहते हैं, तो उन्होंने वो लेनी थी। जन्नत का दूध ख़त्म हो रहा था, मैंने वो लेना था। स्टोर से गुजरते हुए मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो बच्चों का इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, उनके दूध पड़े थे, उनके लिए सीरीलैक पड़े थे, और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। और सीरीलैक के अंदर भी इतनी ज़्यादा वराइटीज़ बनी थी, बनाना में और स्ट्रॉबेरी में पता नहीं क्या क्या। सामान वगैरह घर रखा, फिर हम लोग गए उनीब का पता लेने के लिए, और बिस्मा ने ये फ्रूट कटिंग करके हमें दे दिया। मुझे इस पर आपी की एक बात याद आ गई, आपी उनीब के घर गई थी तो मुझे बता रही थी कि उसने मुझे अनार दिए तो मैंने खाए नहीं। मैंने पूछा आपने क्यों नहीं खाए, कह रही थी आदत रीना है खाने की, तो इसलिए मुझसे खाए नहीं गई। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन खा के कौन सी मेरी जान बन जाएगी।